Sí. Con Brown es como un colegio. वेलकम बैक टू द चैनल पीसीबी व्लॉग्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। ठीक है, अभी ये जो व्लॉग बना रहा हूँ ना, ये लेट नाइट शुरू हो रहा है, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, शायद टाइम दिख रहा होगा, 12 बजने वाले हैं, अब दिख जाएगा शायद। तो अभी इतनी रात को ब्लॉग क्यों स्टार्ट हो रहा है वो बता देता हूँ। एक्चुअली कल यानी कि 28th ऑफ नवंबर को पापा और मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो अभी 12 बजे प्लान किया है। मम्मी और मैं बाहर गए थे, पापा को अभी कुछ आइडिया नहीं है, तो केक और बुके अभी हम रात को बाहर जाके और लेके आए थे, तो अभी वो केक कट करेंगे और अभी पापा को लेके आएंगे यहीं पे मेरे ही यहाँ पे कमरे के अंदर, ऑफिस के अंदर सेटअप करके, और फिर उनको बुलाएंगे यहाँ पे। तो अभी यही छोटा सा प्लान है, तो करते हैं चलो। ये वाला व्लॉग खैर आप लोगों को लेट देखने को मिलेगा, अभी जो मैं व्लॉग एडिट कर रहा हूँ पहले वो आएगा, यानी कि आप लोग तो खैर देख ही चुके होंगे रॉयल एनफील्ड बुलेट वाला जो आपने व्लॉग देखा था, ये जस्ट उसके बाद आने वाला है। तो कोई बात नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में फिर भी आप विशेष अपनी अच्छी अच्छी दे देना। तो अभी हम फटाफट से यहाँ पे सेटअप करते हैं, उसके बाद में मिलता हूँ मैं। तो ये वो केक है, फ्रूट केक है, जो हमको सबको पसंद है, तो वही लेके आए। हैप्पी एनिवर्सरी इस पर लिखा हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे मौसी भी आए थे, लेकिन उनको जल्दी से निकलना था तो वो निकल गए, वो भी केक लेके आए थे, तो वो भी अभी मैं साइड में इसके यहाँ पे रखने वाला हूँ, तो दोनों ही कट कर लेंगे। अब दोनों केक सेट कर दिए हैं, तो ये वाला केक मेरी मौसी लेके आई थी और ये वाला हम लेके आए थे, दोनों को साइड में रख दिया हमने टेबल के ऊपर। और ये बड़ा बुके जो मैंने लेके आई थी, ये रहा, दिख रहा है। अब टाइम है पापा को बुलाने का, है ना? ना बुला खिला। ये वाह, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। नहीं छोटा खिला। चीज रह रही है अभी, क्या देखो मैं लाई हूँ इसके पापा के लिए बुके, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। लो पकड़ो तो सही इसको अच्छे से हाथ में। और अब बारी है चॉकलेट की। थैंक यू। ऑलराइट, छोटा सा सेलिब्रेशन अभी हो चुका है मैरिज एनिवर्सरी का, अब कल की कल देखेंगे। तो अब क्या करा जाए? तो केक केक खा लो और सो जाओ। केक खा लो फ्रेंड्स। ऑलराइट, तो क्या तैयारी कर दिया आपने? हमने तैयारी कर ली है, देखो। हाँ दिखाओ, क्या है भाई? माला है। माला कहाँ है? ये। अच्छा, ये तो रही माला। और मैं रोज पेटल्स के बीच में कुछ, ये फ्लोट कर रहा है, पानी के ऊपर है क्या? हाँ। अच्छा, दिखाऊं आपको पानी? नहीं, पानी दिख रहा है। और ये भी काफी मतलब यूनिक से है ना, कलरफुल से है। अच्छे तरह खूब खुश से मनो बर्थडे एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, खूब खुशी के साथ मनो। ये बढ़िया लग रहा है, ये सब बढ़िया लग रहा है। लग रहा है ये क्या, मम्मी के लिए रोज लेके बैठे हुई हूँ? शाम से घूम रहा हूँ स्कूल को लेके। कब से घूम रहा? शाम से। तो मम्मी ले क्यों नहीं रही फिर? इंतजार करवा रहे हैं, कभी इधर से निकल जाते हैं, कभी उधर से निकल जाते हैं। ये आ गए मम्मी। मम्मी क्या कह रहे हैं, शाम से घूम रहे हैं, बताओ लेके इसको ले लो भाई, स्कूल को है ना, दे नहीं पा रहा। मम्मी देखो भाव मत खाओ, ले लो। थैंक यू, ले तो लिया। ले, मैं तो पूरा देती हूँ उनको। इसके साथ बोतल के साथ देते हैं।
मैं फेंक तो दूंगा, बोर तुम लेना फिर। ठीक है, बरसाने होते हैं बरसाने। अरे टंग स्लीप हो गई ऊंचा करो आप मम्मी को ऊंचा करो, तेरे पापा को तो तू कैसे कर, दादी से कहो ऊंचा करो, मेरे को कौन करेगा, हम दोनों करेंगे। चलो भाई टाइम हो गया स्टार्ट। अभी ये सोच रहे हैं पापा की पहनानी है कि नहीं पहनानी है, आप सोच रहे हैं, दूल्हा पहले तो सोच रहे थे। दूल्हा इन फुल फॉर्म, आखिरकार आखिरकार पहना दी गई है माला। धन्यवाद जो माला लाया। सेरेमनी तो आप लोगों ने देख ली है, पहले हम बाहर नहीं जाने वाले थे, हमने सोचा कुछ घर पे ही मंगा लेते हैं, लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि कहीं पास में किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं और वहीं पे खाएंगे खाना, आज का डिनर वहीं पे लेंगे। ठीक है ना भाई, सही कह रहा हूँ मैं? कहाँ जा रहे हैं कुछ डिसाइड किया है? कोई बात नहीं, हमारे पास में आजू बाजू बहुत सारे रेस्टोरेंट है, ठीक है, मेन सारे जितने भी रेस्टोरेंट है ना हमारे घर के चारों तरफ है, तो चलो उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे चलते हैं। तो चलो फटाफट चलते हैं, चले मम्मी तैयार हो? ऑल राइट, तो अब आ गए हैं हम रसराज में, आ गए हैं आज, तो आज यही डिनर करने वाले हैं। सब जने कृपया मुझे फॉलो करें, अभी दिखाता हूँ कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हैं रसराज पे, ओ मैरिज एनिवर्सरी, तो दोनों अकेले जा रहे हो भाई, हमको भी ले जाओ क्या कह रहे हो? अच्छा ये लव मैरिज है, वो भी भाग की शादी है? नहीं भाई अभी खाने का टाइम है, हमको भी लेके चलो। तो अब आ चुका है रसराज के अंदर, अब देखते हैं ऑर्डर क्या देते हैं। मेरे सामने कपल बैठा हुआ है और देखते हैं आज इन्हीं की चॉइस मंगाएंगे और जो भी खाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है ना? क्या खाएंगे? जो सब भागे हुए अभी पकड़े गए हैं। क्या कह रहे हैं आप हम भागे हुए थे आज अभी पकड़े गए हैं, अभी पकड़े गए हैं और अब खर्चा कराएंगे हम खाएंगे क्या कहना है आपका इस बारे में? सही है, पकड़े गए हैं तो खर्चा तो करवाना पड़ेगा। वाओ, तो काफ़ी देर बाद डिसाइड करने का, अभी सूप तो आ ही रहा है और क्योंकि सुबह से केक वेक काटे और कुछ ना कुछ मिठाई विठाई गई तो इतनी भूख नहीं है, लेकिन हम रसराज स्पेशल थाली मंगा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ एक मिनट। तो सूप आ चुका है और ये है मनचाओ सूप मंगाया और पापा के लिए स्वीट कॉर्न सूप। तो सूप फटाफट कम्प्लीट कर लेते हैं और थाली का ऑर्डर दे दिया, तो थाली आएगी तो थाली भी दिखा देता हूँ। कैसा है आप वाला सूप, कैसा है बाबा? नहीं आप बता दो, तो कर दिया इसको। अच्छा बढ़िया है, तो अच्छा आपने बढ़िया कर दिया मतलब इसको। ऑल राइट, तो थाली भी आ चुकी है और चलो देख लेते हैं एक बार की थाली में क्या क्या है। पापड़ है, मीनार के शेप में खड़ा है और ये है गोभी की सब्जी और ये मेरे ख्याल से पनीर है, अभी इसके अंदर डुबकी लगाएंगे जब दिखेगा। ये है दाल, चावल, दही, ऊपर जीरा डाल रखा है और सलाद हो गया, एक गुलाब जामुन का पीस हो गया और इसमें दो तंदूर रोटी है और चाहो तो इसमें ऑप्शन ले सकते हो लच्छा पराठा, तवा रोटी कुछ भी ले सकते हैं। और आप पे फोकस नहीं कर रहा था, ये अब कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी लच्छा पराठा या रोटी है जो भी चाहो ना वो मंगा सकते हो, ठीक है ऑप्शन है। तो अब रुका नहीं जा रहा, फटाफट खा लेते हैं।